स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये थर्ड मेथड है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने पढ़ा था, पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड किए। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आप डिफाइन करेंगे। डी इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट। डिफाइन करने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये होता है ए बी सी क्या है, यहाँ पर कोफिशेंट्स है। ए कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशेंट ऑफ एक्स, सी कॉन्स्टेंट टर्म, और डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आप डिफाइन करेंगे, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है देन वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एवा बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इनके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इनके रूट फाइंड किए थे। ओके, अब जो करेंगे हम वो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इन इक्वेशंस के रूट फाइंड करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप ABC निकालेंगे। A कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर 2, कोफिशेंट ऑफ x इज माइनस 7 एंड कोस्टेंट टर्म इज 3। अब मैंने आपको बताया था, देखो पहले आप D निकालिए। D होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, B की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू 3 है। माइनस 7 का जब स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24, हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 49 में से 24 माइनस करेंगे 25, यानी कि वैल्यू जो फाइंड होकर आ गई हमारे पास पॉजिटिव 25 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि डी इज ग्रेटर देन 0। डी जो है 0 से बड़ा है। मैंने बताई थी कंडीशन कि डी या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी है हमारे पास 25 अपॉन 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 2। इट इज माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 टू जा 4। अब देखिए x आ गया हमारे पास ये। अब इसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 7 प्लस 5। एक बार साइन पॉजिटिव ले लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 इज टू टू जा 4, सॉरी ये 4 है नीचे, 4 12 बाई 4 यानी कि इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ओके, अब दूसरी कंडीशन, इफ़ एक्स इज इक्वल टू, इस बार साइन माइनस का ले लेंगे, 7 माइनस 5 अपॉन 4। अब 7 में से 5 घटा देंगे, 2 अपॉन 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 यानी कि 1 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई, तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज निकल कर आ गई, 3 और 1 अपॉन 2। ये जो वैल्यूज फाइंड होकर आती हैं आर कॉल्ड रूट्स। तो रूट्स आ जाएंगे 1/2, 3। ये रूट्स फाइंड इस तरह से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड कर लेंगे रूट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले ABC की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या होगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, बी कोफिशेंट ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 कॉन्स्टेंट टर्म। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप फाइंड करोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की प्लेस पर तो हम 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की प्लेस पर 2 आ जाएगा और सी की प्लेस पर माइनस 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 फोर ज़ा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, ओके। तो D हमारे पास आ गया पॉजिटिव 33, यानी कि D जो है वो ग्रेटर देन 0 है। D जब ग्रेटर देन 0 है तो देन वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट d 33 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 है, यानी हमारे पास ये 1 का आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 4x। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, यानी एक बार तो पॉजिटिव ले लेंगे इसको, अच्छा दूसरा कंडीशन में नेगेटिव ले लेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बाई 4, तो यहाँ पर रूट फाइंड होकर आ गया हमारे पास, एक आ जाएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4 और सेकंड वन आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का रूट 33 बाई 4। इस तरह से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम, देखो 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें ये रूट आ जाए तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, देखो वही बेसिक हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पर चलना। सबसे पहले हम कोफिशेंट्स निकालेंगे, यानी कि a कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर 4, b कोफिशेंट ऑफ x 4 रूट 3 एंड c कॉन्स्टेंट। देखो फर्स्ट वी विल फाइंड d, b स्क्वायर माइनस 4 ac, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखो 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 4 फोर ज़ा 16, 16 थ्री ज़ा 48, यानी कि 16 थ्री ज़ा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 आ गया, अब d इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो मैंने कंडीशन बताई थी कि d शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या तो d 0 से बड़ा हो या d 0 के बराबर हो, या d 0 के बराबर है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस b, b की वैल्यू हमारे पास है 4 रूट 3 प्लस माइनस d, d हमारे पास है 0 और 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 4, यह आ जाएगा 4, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस का 4 रूट 3 अपॉन 8, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 3 बाई 2। अब देखो एक वैल्यू निकल कर आई है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर विल बी टू रूट्स, आप इसको इस तरह से लिख दोगे रूट्स आपके पास आ रहेंगे, इसी को दो दफ़ा लिख दिया, यानी कि इक्वल रूट्स आ गए, रूट 3 बाई 2 माइनस का रूट 3 बाई 2, इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही तरीका, इसके रूट निकालने हैं हमें बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी सी, ए इज इक्वल टू 2, बी कोफिशेंट ऑफ x एंड c कॉन्स्टेंट। डी फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, अब बी की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आ जाएगा हमारे पास 2 और c आ जाएगा 4, 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, 3 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 32 आ जाएगा, यानी कि 31, माइनस 31 आ गया आपके पास फाइंड होने के बाद, नेगेटिव 31, इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है वो लेस देन 0 है। अब मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यहाँ पर जो है हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड नहीं कर सकते, जब इसके रूट नहीं फाइंड कर सकते तो इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसको यहीं छोड़ देंगे कि इस इक्वेशन के रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेते हैं, ओके। इस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में जो इस एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको वर्ड प्रॉब्लम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।